नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑन टेपर, यानी कि टेपर पर यदि कोई रेडियस दिया हो तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज्यादा करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ड्राइंग समझा दूँ, जो कि ये ड्राइंग आप लोगों के सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 40 है और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 70 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 90 दिया हुआ। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 10 है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 20 है और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 10 है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ 15 है। यहाँ पे 1 × 45° का चैम्फर दिया हुआ और ये जो टेपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 45° एंगल में टेपर है और यहाँ पे जहाँ टेपर है वहीं पे R5 का रेडियस बनाना और यहाँ पर भी R5 का रेडियस बनाना और यहाँ पे 2 × 45° का चैम्फर बनाना। यदि ड्राइंग में इस तरह से दिया हो तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी कि टोटल 10 कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका डाया 40 दिया हुआ और यहाँ पे 1 × 45° का चैम्फर दिया हुआ। ठीक है, यानी कि जब ये डाया 40 दिया हुआ और यहाँ पे 1 × 45° का चैम्फर हमें बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का डबल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 40 में जब 2 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 38, यानी कि अपना कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 38 होगा और z का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेट नंबर 1 ये है कोऑर्डिनेट नंबर 1 जो कि x का वैल्यू 38 और z का वैल्यू 0.0। ठीक है, यहाँ पे अपना 2 0 होकर के यहाँ पे आगे खड़ा हो गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाना है। कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाने के लिए x का वैल्यू 40 होगा क्योंकि यहाँ पे डाया 40 दिया हुआ है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 2 में x का वैल्यू 40 और z का वैल्यू -1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 mm का चैम्फर बनाना, इसलिए z का वैल्यू -1 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर टू पर टूल जा चुका। अब कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर हमें जाना है। कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाने के लिए x का वैल्यू सेम रहेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 3 में x का वैल्यू 40 ही रहेगा और z का वैल्यू -15 हो जाएगा। -15 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अपना टोटल लेंथ 15 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाने के लिए z का वैल्यू तो पता है मगर x का वैल्यू हमें नहीं पता। x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे r दिखाई दे, यहाँ पे रेडियस दिखाई दे, R5 का जो रेडियस है इसको यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ ये रेडियस है, इस तरह से कुछ इस तरह से रेडियस दिखाई दे रहा आपको। ठीक है, अब देखिए ये रेडियस दिखाई दे रहा आप लोगों को, पता कि ये अपना सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूँ इस तरह से। ठीक है, ये अपना सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए रेडियस यहाँ पे स्टार्ट होगा, रेडियस यहाँ पे स्टार्ट होगा और रेडियस यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि ये रेडियस जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आप लोग को पता है कि सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन टच करता है वो रेडियस के बराबर ही होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, ये रेडियस के बराबर ही होगा। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताया कि सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन टच करता है वो रेडियस के बराबर ही होता है। ठीक, यहाँ पर भी वैसे ही, ये सेंटर है, यहाँ से ये सर्कमफ्रेंस है, यानी कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन टच करता है वो रेडियस के बराबर होता है, यानी कि ये भी टोटल 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर दिया, ये वाला ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा इस ट्रायंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 45° का एंगल दिया हुआ, यानी कि ये जो ट्रायंगल मैं यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ किया हूँ इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, याद रखिए
जब भी ट्रेंगल यहाँ इसका एंगल यहाँ पे बने, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे एंगल बनता है, इसका मतलब ये हो जाता है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाता है, क्योंकि अपना एंगल के ऊपर ये डिपेंड होता है। यदि यहाँ पे एंगल बना तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल बना तो ये परपेंडिकुलर, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एंगल ये बन रहा है क्योंकि ये 45 डिग्री का है, तो जब ये एंगल बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर रखा हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप मेरा रेगुलर सभी वीडियो देखे हैं तो मैं आप लोग को बताया हूँ कि यदि इस तरह से दिया हो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 45 डिग्री, देखिए यहाँ पे एंगल इसका 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। इसलिए साइन थीटा यानी कि साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री दिया हुआ, और इंटू आर, आर का वैल्यू रेडियस कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे 5 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब साइन 45 डिग्री इसका वैल्यू निकालेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो इसका वैल्यू आएगा 0.707 इंटू 5, ठीक है। इसका वैल्यू आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आता है 0.707 और ये इंटू 5, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आया 3.535, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप लोग देखिएगा ये 3.535 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आप लोगों को बतलाया हूँ कि जब ये फॉर्मूला जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे इसका जो जो भी वैल्यू आएगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। ये वैल्यू परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसका मतलब ये जो 3.535 जो आया ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये अपना परपेंडिकुलर है, इसका वैल्यू कितना हो गया 3.535, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये हाइपोटेनियस है, अभी मैं आप लोगों को बताया कि सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस का कोई भी लाइन टच करता है वो रेडियस के बराबर होता है, यानी कि अपना हाइपोटेनियस कितना होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस अपना 5 दिया हुआ और यहाँ सेंटर से सर्कमफेरेंस रेडियस के बराबर ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता है और ये वैल्यू हमें पता है, जब दो वैल्यू हमें पता हो तो आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये तीसरा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंगल है, इसी ट्रेंगल को मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बनाने के उसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकाला था हम लोग ने 3.535, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया, और इसका वैल्यू कितना है ये 5 है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग, इसमें लंबी भुजा ये है इसलिए यानी कि ए सी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि पहला है लंबी भुजाओं का स्क्वायर, लंबी भुजा ये है इसलिए ए सी का स्क्वायर किया इक्वल टू दोनों छोटी भुजा, पहली छोटी भुजा ए बी है, दूसरा छोटी भुजा बी सी है, यानी कि ए बी का स्क्वायर फिर उसके बाद बी सी का स्क्वायर करेंगे, इसलिए यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये अपना ए सी है, ए सी का वैल्यू कितना 5, यानी कि 5 का स्क्वायर करते इक्वल टू ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी ये है, ए बी का वैल्यू कितना है 3.535, इसलिए यहाँ पे 3.53 का स्क्वायर करते प्लस बी सी, ये बी सी ये वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए ये जैसे वैसे करते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3.535 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12.496, ठीक है। इसका स्क्वायर करके आप लोग देख लीजिएगा ये आएगा 12.496, ठीक है, और प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी का वैल्यू हमें नहीं पता है जैसे वैसे कर दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 25 इक्वल टू 12.496 है, ये बीच में इक्वल टू है, यानी कि ये 12 इक्वल टू के इस साइड में आता है तो ये माइनस में होता है, यानी कि 25 में 12.496 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.504, ये आ जाएगा, आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा, ये आएगा 12.504, ठीक है, इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये बी सी का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अंडर रूट देते हैं, यानी कि 12.504 पर अंडर रूट देते हैं। अब अंडर रूट देने से ये स्क्वायर हट गया, यानी कि सिर्फ बी सी रह गया,
ठीक है। अब इसका यदि अंडर रूट निकालेंगे तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3.536 ये आएगा, ये किसका वैल्यू आएगा, बीसी का वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना बीसी कौन सा है, ये बीसी है, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 3.536, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे वैल्यू हमें मिल गए, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया और ये वैल्यू मिल गया, आसानी से हम लोगों ने सब वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू हम लोग ने निकाला था 3.535, ये वैल्यू किसका, इसका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू है 3.535, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये 5 है क्योंकि ये रेडियस के बराबर होता है। और यहाँ से यहाँ तक अपना वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना हो रहा है, अभी मैं आप लोगों को बतलाया था कि सेंटर पॉइंट से लेकर के सर्कमफेरेंस तक जो भी लाइन टच करता है वो रेडियस के बराबर हो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका टोटल वैल्यू 5 है, 5 में जब 3.536 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस करके देखते हैं, इसको हम लोग माइनस करके यदि देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 है, 5 माइनस 3.5 माइनस 3.536, ठीक है, 536 इक्वल टू ये आ गया 1.464, इसको लिख देते हैं, ये आया 1.464, ठीक है, ये वैल्यू आ गया यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया, ये यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं 1.464, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने इसका लेंथ कैलकुलेट कर लिया, इसका लेंथ कितना है 3.536, यानी कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सारे वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए चूंकि इसका यहाँ पे इस तरह से जब डॉटेड लाइन कर दूँ तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, ये हुआ 3.536, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने हाइट कितना निकाला था 1.464, ये हो गया 1.464, ठीक है, 1.464 ये आया, ये 1.464 एक साइड का हुआ, यानी कि यहाँ यहाँ का भी तो ये भी होगा 1.464, ठीक है, यानी कि 1.64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1.464 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, इसको इनटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.928, ठीक है, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए इसका टोटल आया 70 दिया हुआ, ठीक है, 70 में ये वैल्यू 2.928 इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आता, अब देखिए माइनस 70 कितना आया 67.072, यानी कि ये जो डाया है यहाँ से यहाँ तक ये जो डाया होगा ये कितना हो जाएगा 67.072, ठीक है, यानी कि इसका डाया हो जाएगा यहाँ पे 67.072, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब अब हमें ये समझ में आ गया कि इसका डाया भी हमें मिल गया और यहाँ से यहाँ तक का हमें इसका लेंथ भी मिल गया, ठीक है। इसलिए यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर जाने के लिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाएगा 2, तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 67.072, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर एक्स का वैल्यू 67.072 एक्स का वैल्यू हो जाएगा और जेड का वैल्यू -25 होगा। जेड का वैल्यू -25 क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये 15 है और ये 10 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसलिए जेड का वैल्यू -25 होगा, ठीक है, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर जाने के लिए एक्स का वैल्यू 70 होगा क्योंकि इसका डाया 70 दिया हुआ, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर एक्स का वैल्यू 70 हो जाएगा और जेड का वैल्यू -28.536 हो जाएगा,
और ये -28.536 किस तरह से आया देखिए, ये 2 ले 25 का खड़ा है, क्योंकि ये 50 नहीं और ये 10 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये 25 पर 2 ले खड़ा है, ठीक है। 25 में जब ये वाला ऐड कर देंगे 3.536 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28.536, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 5 में x का वैल्यू 70 और z का वैल्यू -28.536, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ कोऑर्डिनेट नंबर 5 से कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर जाने के लिए x का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि x में कोई चेंज नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 6 में x का वैल्यू 70 रहेगा और z का वैल्यू -40 होगा। और ये z का वैल्यू -40 किस तरह से होगा इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से ये टोटल कितना है, ये 20 है, ये 10 है और ये 15 है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 20 और 10 30 40 45, इन सबको ऐड करने से टोटल 45 आ रहा है, ठीक है। 45 आ रहा, और यहाँ पे R5 का रेडियस हमें बनाना है, यानी कि 45 में जब 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 6 में जेड का वैल्यू 40 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और एक्स का वैल्यू 70 रहेगा, क्योंकि एक्स चेंज नहीं है इसलिए एक्स का वैल्यू 70 ही रहेगा। अब टू कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर आके खड़ा हो गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट नंबर 6 से आप 5 का रेडियस बनाते हुए कोऑर्डिनेट नंबर 7 पर जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर 7 पर जाने के लिए इसका डाया हमें नहीं पता, इसका डाया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 70 है, ठीक है, 70 में आर 5 है, यानी कि 5 का डबल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 70 में 10 ऐड करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 80 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट नंबर 7 में x का वैल्यू 80 और z का वैल्यू -45 किस तरह है, इसको इन तीनों को ऐड करने पे ये 45 आ गया, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 7 में z का वैल्यू -45, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये यहां तक टूल कोऑर्डिनेट नंबर 7 पर जा चुका, अब कोऑर्डिनेट नंबर 7 से कोऑर्डिनेट नंबर 8 पर जाएगा। यहां पे 2 × 45 डिग्री का चैंबर बनाना है, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, यहां पे देखिए 2 है, 2 का डबल करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एमएम का चैम्बर बनाना है, 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 90 में जब 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 8 में, ये कोऑर्डिनेट नंबर 8 है, कोऑर्डिनेट नंबर 8 में एक्स का वैल्यू 86 हो जाएगा और जेड का वैल्यू -45 रहेगा। -45 क्योंकि देखिए इन सब को ऐड किया, जेड में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसका जेड का वैल्यू -45 भी रहेगा, ठीक है। याद है, क्लियर हो गया। अब टू कोऑर्डिनेट नंबर 8 पर जा पहुंचा, अब कोऑर्डिनेट नंबर 8 से कोऑर्डिनेट नंबर 9 पर जाना है। कोऑर्डिनेट नंबर 9 पर जाने के लिए एक्स का वैल्यू 90 रहेगा, 90 क्योंकि इसका डाया 90 दिया हुआ, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 9 में एक्स का वैल्यू 90 रहेगा और जेड का वैल्यू -47 हो जाएगा। -47 किस तरह आया, देखिए टूल ऑलरेडी 45 पर जाके खड़ा है, ठीक है, 45 पर जाके खड़ा है और 2 एमएम का चैम्बर बनाना है, यानी कि 45 में 2 ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 9 में जेड का वैल्यू -47 हो जाएगा। अब टू कोऑर्डिनेट नंबर 9 में जाके खड़ा हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चाहे तो यहाँ से अपने टूल को ऊपर उठा सकते हैं, या चाहे तो मशीनिंग और कोऑर्डिनेट नंबर 10 तक करना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह से टूल यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट नंबर 10 पर ले जाने के लिए एक्स का वैल्यू सेम रहेगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 90 रहेगा और जेड का वैल्यू -55 होगा। जेड का वैल्यू -55 किस तरह से होगा, देखिए इसको और इसको इन सबको ऐड कर लेंगे तो इसका टोटल वैल्यू 55 आएगा, ठीक है। जब 55 यानी कि एक्स का वैल्यू 90 और जेड का वैल्यू 55 आएगा। यहाँ तक कोऑर्डिनेट नंबर 10 तक पहुँच गया और यहाँ से टूल को ऊपर उठा करके होम पोजिशन भेज सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यदि पेपर पर कोई रेडियस दिया हो तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।